11 सितंबर को सुबह लगभग 11 बजे एक बैंक ऑफ बड़ौदा की ग्रामीण बैंक की शाखा में कुछ अज्ञात बदमाश घुस आए थे और उन्होंने वहाँ पे लगभग 8.5 लाख कैश को लूट लिया था। ये घटना एक बड़ी वारदात के रूप में पुलिस ने पूरे डिपार्टमेंट ने इसको लिया, जिसमें कि मौके पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। माननीय डीआईजी महोदय घटनास्थल पर आए और उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए। घटना के सफल अनावरण के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ की जनपद की एसओजी टीम और हमने विभिन्न थाना की जो टीम है उसको गठित किया और इसके अनावरण में हम लोगों ने प्रयास किया। ये भी आप लोगों को विदित है कि इस घटना में उन लोगों के चेहरे DVR के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हो चुके थे ऑलरेडी, तो जो फुटेज वहाँ अवेलेबल थी उसका हम लोग एनालाइज कर रहे थे, उसका गहराई से विश्लेषण कर रहे थे और पूरी जितनी भी हमारी टीम इस घटना को अनावरण करने में लगी हुई थी सभी का यह प्रयास था कि हालांकि उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे जिसमें केवल एक का ही चेहरा स्पष्ट हो पा रहा था, तो सबसे पहले जितने भी अपराधी हैं इस पूरे जोन, इस पूरी रेंज या इससे बाहर की रेंज के, उन सबको हम लोग मिलान करा लें, जितने हो सके इस फुटेज को हम लोग अपने डिपार्टमेंट के लेवल पर हम लोग इसको शेयर कर लें जिससे कि कहीं ना कहीं कोई नाम निकलना शुरू हो। एक तो हमारा ये प्रयास एक अलग लेवल पे चल ही रहा था, साथ ही ये भी हमारी कोशिश थी कि इस घटना में लोकली कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को कराने में उनकी मदद की हो सकता है रेकी करी हो सकता है बैंक को आइडेंटिफाई करने में मदद की हो, तो वो जो हमारी लोकल टीम थी वो ये प्रयास लगातार कर रही थी कि ये बदमाश यहाँ पर घटना करने आए थे तो यहाँ पर इनका लोकल सपोर्ट बेस कौन सा था, तो दोनों ही प्रयासों में पुलिस को सफलता मिली। एक तो हम उन व्यक्तियों को जो इस घटना में वांछित, जो इस घटना को करने में थे उनको पुलिस आइडेंटिफाई कर पाई, साथ ही जो उनका लोकल सपोर्ट था उसको भी पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और उसी क्रम में जो लोकली रेकी करने में जो जिन लोगों ने उनकी मदद करी और जो घटना के बाद लूटी हुई रकम में जो अपनी हिस्सेदारी तय कर रहे थे उनको भी पुलिस ने अभी तक इसमें अरेस्ट किया है। जहाँ तक अरेस्टिंग की बात है तो पुलिस और पवन कुमार, सूरज सिंह अर्जुनपुर गाँव का है जो थाना लंबवा का रहने वाला है और पवन भी गाँव बरवा दक्षिणी थाना लंबवा का रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो लोग अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं उनका नाम सद्दाम है, दूसरे का नाम अंकुर सरोज है और तीसरे का नाम अभिषेक सरोज है। ये तीनों ही जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले कुख्यात अपराधी हैं। अभी तक की जो हमारी छानबीन और हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है इनमें इन तीनों का नाम प्रकाश में आया है, इन तीनों द्वारा इस घटना को कारित होना पाया जा रहा है। चूँकि ये घटना बड़ी थी और इस तरह कारित की गई तो इस चीज़ को देखते हुए अभी तक मेरे स्तर से इसमें 25,000 का इनाम इन तीनों के ऊपर घोषित कर दिया गया है और इनाम की रकम को बढ़ाने के लिए DIG महोदय को